पता नहीं, थोड़ा सा बता दिया करो आप लोग। चलो तो पी इज इक्वल टू आई प्लस डी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वहां पे क्या थी, उस पर तो सिंपल थी ना, सी प्लस वाली इंस्ट्रक्शन थी ना, और डेटा के ऊपर थी, यानी हम जमा कर रहे थे 3 + 2 को, तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा था। यहाँ पे भी डेटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत एडवांस इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं कि मशीन जो वो लर्निंग करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, पी इज इक्वल टू आई प्लस डी चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अब एडवांस फॉर्म में चल रहा है। तो बिजनेस के ये मार्केट के तमाम चीजें जो ये डिफाइन करती है, आपके पास ये जितने भी डेटा माइनिंग है कि भाई आपका जो ट्रेंड, आप बिजनेस की बात करें ना, तो मार्केट कहाँ जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो कितनी सक्सेसफुल होगी, तो ये तमाम बातें जो है वो एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी करके दे रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको करके दे, या कोई प्रोग्रामर आपको बना के दे दे, तो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम बताए, कंप्यूटर बताए कि ये बेहतर है ना। बहुत सारी वजह होती है कि क्वालिटी नहीं हो रही होती, तो रूट कॉजेज जो है फाइंड आउट करके बताए कि क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी जो है किस लिए जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, सही है। और जो है वो सेल हम कैसे बढ़ा सकते हैं कस्टमर्स को, ये तमाम टेक्निक्स इसके अंदर जो है वो आ जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी के डेटाबेस जो है वो कितने टाइप्स की होती है, तो एक आपके पास सिंपल डेटाबेस होती है, वो नॉर्मली सिंगल यूजर डेटाबेस कहलाती है, सही है। और एक आपके पास जो इंटरप्राइज डेटाबेस होती है, सही। इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज, इंटरप्राइज किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके पास होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंटरप्राइज डेटाबेस, क्योंकि वो बहुत सारी बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो उसमें स्टोर कर लेती है। जो बड़ी डेटाबेसेस हैं, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा भी आप उसमें डाल दें तो उनको कोई मसला नहीं होता। तो उसमें जो बड़े नाम है वो है, एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक डेटाबेस बनाई है, इसका नाम उन्होंने रख दिया एसक्यूएल सर्वर, और ये जो है यूज होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये विजुअल स्टूडियो के साथ कम्बिनेशन में भी लोग यूज करते हैं। एक फ्री मिलती है वो है माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल जो है वो भी बहुत पावरफुल है, ये भी पूरी डेटाबेस जो है वो इंटरप्राइज ही कर रखती है, ये ओपन सोर्स है, सही है। यानी इसको जो है कोई भी कॉपी कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं होता, और वो यूज भी कर सकता है। अच्छा, एक जो बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम है ओरेकल। ओरेकल की जो डेटाबेसेस होती हैं, या ओरेकल का जो डीबी डेटाबेस है, वो क्या है, वो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, इंटरप्राइज लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का एक मसला है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है तो वो विंडोज ही पे रन हो सकता है, यानी जो उनका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में किसको कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिख लें अपने पास के प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज की हम बात कर रहे हैं ना, तो उनका माइक्रोसॉफ्ट का तो विंडोज ही पे चल सकता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। लेकिन जब उनका सर्वर एसक्यूएल नहीं था, तो कौन सा जो डेटाबेस है उन पे, उनके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलता था, और दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल जाता था, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओरिकल। ओरिकल जो है उसको जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही हो, वो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। तो जो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो विंडोज पे भी चल जाएगा, ओरिकल है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो ओरिकल जो है वो विंडोज पे भी चल जाएगा, यूनिक्स पे भी चल जाएगा, लिनिक्स पे भी चल जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। किसको कहते हैं, आज़ाद को कहते हैं ना, तो वो आज़ाद है। और जो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, वो विंडोज के अलावा कहीं नहीं चलता, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिपेंडेंट डेटाबेस, सही है, वो कहलाएगा डिपेंडेंट डेटाबेस। तो आप अपने पास राइट आपने कर लिया होगा कि डिपेंडेंट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दो टाइप के आपके पास होते हैं डेटाबेस, एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और एक होता है इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है, और जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ अपने, यानी जैसे विंडोज चलता है। ये बात जिसको क्लियर है, या जिसने अच्छी तरह लिख ली है या समझ ली है, वो 3 लिख के बताए, सही है।
हाफिज खालिद अजहर ने लिखी है, हाफिज मोहम्मद ने लिखी है, नाशमिया ने भी लिखी है। वही वाली बात है कि कुछ लोग बच्चे जो है ना, अच्छा चलो बात तुमने तो पूछी, एक दफा बता दें, लेकिन जो ना 3 लिख रहे हैं ना वो कर रहे हैं, बस लॉगिन हुए हैं, उनका क्या करूं? अच्छा जो लॉगिन हुए, जिन्होंने जवाब नहीं दिया बिल्कुल, वो जो है वो 6 लिख के बताएं, जिन्होंने जवाब नहीं दिए। चले ऐसे पूछ लेते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो लोग जरा 6 लिख के बताएं इस बात का, जब भी मैंने पूछी थी। अच्छा चलें ठीक है, ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे पास होती है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, रन कोई भी सॉफ्टवेयर। अच्छा, चलें ठीक है, एक का तो मतलब ऐसा जवाब आ गया कि मैं जो हूँ वो इसको मान सकता हूँ, कि कोई स्टूडेंट है वो कह रही है कि मैं लिख रही थी इसलिए जो मैंने प्रेस नहीं किया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप राइट करें और प्रेस ना करें लिख रहे हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो अभी भी जवाब नहीं दे रहा वो मेरे पास लिस्ट में है, कि वो लोग जो है ना इधर लिस्ट में नजर भी आ रहा है, सही है, और वो जवाब भी नहीं दे रहा, और ज्यादा नहीं है, 2-3 बच्चे हैं, वो ये अफसोस भी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये आप भी लिखे लिए, आप जितना बेहतर समझना चाहें समझ लें। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड और डेटाबेस मॉडलिंग, ये अभी हम बाद में देखते हैं। तो ये हो गए इंटरप्राइज के ना, 3 मैंने बता दी, एक आईबीएम वालों ने भी बनाई है, आईबीएम वालों का नाम है DB2, सही, DB2 किसका नाम है, आईबीएम वालों की डेटाबेस का नाम है, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये हर जगह रन हो जाती है। एक छोटी सी डेटाबेस होती है वो कहलाती है पर्सनल डेटाबेस। पर्सनल डेटाबेस कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो असल में बहुत इसलिए कहते हैं उसको डेटाबेस पर्सनल या इंटरप्राइज पे काम नहीं कर सकती, उसकी कैपेबिलिटी बहुत कम होती है डेटा स्टोरेज वगैरह की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको मिलती कहाँ है, जब आप ऑफिस जब इंस्टॉल करते हो उसके साथ आती है, पावर पॉइंट भी आती है, एक्सेस भी आती है, वर्ड भी आता है, सही है ना, तो और एक्सेल भी आती है, तो वर्ड और एक्सेल के साथ कभी आप देखें पावर पॉइंट वगैरह के साथ जो है एक और भी सॉफ्टवेयर होता है वो होती है एक्सेस। तो वो किस लिए बनाई गई है, वो डेटाबेस के तौर के ऊपर बनाई गई है, लेकिन एक स्मॉल डेटाबेस है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। अब जो है वो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो है जो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस को पूरी मैनेज कर रहा होता है, यानी उसको ऐड करता, रिट्रीव करता, राइट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, DBMS। DBMS के मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास क्या करता है, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर, आप बोलेंगे DBMS, सही है। व्हाट इज ओरेकल, DBMS, क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सही है। तो ये वाली बात जिसकी समझ में आ गई है कि DBMS क्या होता है, वो जो है वो 4 लिख के बताए। सही, अच्छा वही है कि अभी भी जो है वो शेब ने मुझे जवाब नहीं दिया, सही है, अब शेब का जवाब सही नहीं। PHP DBMS नहीं होगी, PHP जो वो वेब पेज बनाने के काम आती है, PHP जो है वो ASP.NET की तरह होती है, एक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम आती है। अच्छा अब जो है हम एक सिनारियो कंसीडर करने के लिए जा रहे हैं, सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है हमारे पास कि ये हमारे पास एक हमने देख लिया कि क्या जो है वो फायदे या डिसएडवांटेजेस है। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ATM आप सबने यूज़ किया ना, तो ATM में के अंदर क्या होता है, ATM के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास एक ATM होती है, एक बैंक में हमारा अकाउंट होता है, नहीं डेटाबेस नहीं बनता, PHP जो है वो एक्चुअली अगर वो बनाता है डेटाबेस, लेकिन वो किसके लिए बनाता है, वो बनाता है SQL, MySQL के लिए। MySQL ना हो तो वो PHP तो चल ही नहीं सके ना,
MySQL हो तो PHP तो चल ही नहीं सके। असल में PHP जो वो राइटिंग करता है, सॉफ्टवेयर को राइट करता है, बहुत सारे काम कर रहा था उसमें, वो ये कि डेटाबेस भी बना देता, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। अच्छा ये है हमारा एक हाफिज अब अच्छा सही। अच्छा तो फिर उसके बाद ये जो है फर्स्ट करें कि हमारे पास ATM मशीन है ना, तो ATM मशीन है तो उसमें आप जो ये डिफरेंट आप ये एक ब्रांच इनकी जो है वो ये बैंक है हमारा, बैंक से एक जो है वो डिफरेंट एरिया में कर लेते हैं कि एक जी गुलशन के अंदर है, एक जो है वो एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर है, एक और दूर है करंगी में है, एक जो है वो आउट ऑफ सिटी यानी हैदराबाद में है, एक जो है वो लाहौर में है। ATM मशीन लगी है एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी हम, एक मुल्तान में। अब कोई बंदा यहाँ पे आया करा, दो साथ साथ भी एक मशीनें लगी हैं, आपको पता है अक्सर बैंक साथ साथ भी होते हैं। तो आपने यहाँ से आपके पास 10,000 थे, आपने यहाँ से जो है वो 1,000 निकलवाए, दूसरी वाली ATM के अंदर आप आए, दूसरी वाली यहाँ से आने के बाद दूसरी आपने बोले चलो अभी मैंने 1,000 तो निकलवा लिए, 1,000 जल्दी से निकलवा लेता हूँ तो मुझे जो है ना डबल पैसे मिल जाएंगे। तो जब आप पहली दफ़ा निकलवाएंगे तो आपकी जो है वो बैलेंस में क्या बचेगा, जब 10,000 में से आपने 1,000 निकलवाया और दूसरी ATM में गए तो आपके पास बैलेंस क्या बचा, लिख के बताएं। एक आंसर आया, दो आंसर आ गए, तीन आंसर आ गए। और देखें सवाल क्या है और आंसर देखें क्या है। क्वेश्चन मेरा यह था कि ये बताएं कि जी 10,000 आपने एक ATM से आपके पास पड़े थे और आपने निकलवाए तो आपके पास कितने पैसे बचे हैं। सिंपल सा इतना क्वेश्चन था, 10,000 से 1,000 निकलवाए तो बाकी आपके पास कितने बचे ATM के या आपके कार्ड में। तो उसका जो 5 लोग जवाब दे रहे हैं अभी तक ना, ये दैट्स नॉट फेयर। अच्छा चलो मेरे ख्याल में ये कि मैं कोई आंसर दे या ना दे। ओके अच्छा तो ये जो है, अच्छा ये हो सकता है कि आप जो इधर से बहुत तेजी से भागते हुए इधर जाए, 9,000 आप 1,000 निकलवा लिए 9,000 और आप जो है ना बहुत तेजी के साथ पैसे निकलवाएं और यहाँ पे भी जब तक आप पहुंचे बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हुई हो और यहाँ पे भी आपको जो है बराबर बराबर दो मशीन थी, यहाँ पे आपको जो है 9,000 मिल जाए। शायद यार ने मेरा क्वेश्चन समझ लिया, सही है ना। तो अब आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिल रहेंगे 9,000 रुपये। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वो फॉरन जो है वो सही है। एट द एंड ऑफ द डे ना USB आती है, तो USB में वो लोग ना लगा के चेक करते होंगे कि अभी USB से डेटा कॉपी करें, फिर वो जाके जो वो बैंक के अंदर कॉपी करें, फिर पता चले उन्हें कि कितने लोगों ने कितने पैसे निकलवाए। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तो बैंक का क्या नुकसान होगा, बैंक का क्या ये नुकसान होगा कि उसको जो है वो लोग ATM से जो है बहुत सारे पैसे निकलवा लेंगे अपने अकाउंट से, क्योंकि वो अपडेट नहीं होगी ATM, USB के थ्रू होती है। तो बैंक को जो है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो अप्रोच है जिसके अंदर है, ये आपके पास एक तरीके से कि आपने अपना डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हर ATM का जो इंडिविजुअल डेटा रखा हुआ है ना, और वो वहाँ से लेके या वहाँ से जो वो कॉपी करके लेके जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर ज़ाहरी बात है आपकी ATM फेलियर हो जाएगी। तो पुराने सिस्टम जो थे उसके अंदर यही होता था कि आपके पास जो है कस्टमर का रिकॉर्ड किसी और फाइल में होता था, वो क्या करते थे फ्लॉपी में ले जाके जो है कॉपी करते थे, किसको, सेल डिपार्टमेंट को, कि इतनी सेल हुई है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ होता था, अगर वो कोई एम्प्लॉय या नया है
तो फ्लॉपी के अंदर कॉपी होके इसके पास जाता था हर महीने के बाद। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आते थे, इसमें ये आते थे कि सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये पता करना है कि कौन सी प्रोडक्ट या ज़्यादा सेल हुई है, उनको कोई रिपोर्ट चाहिए। तो अब वो 3 दिन के बाद जब फ्लॉपी आएगी उसके बाद वो उस पर कॉपी करेगा, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट निकलेगी। अब ये जो है ना क्या कर सकता है, ये पुराने डेटा के ऊपर कर सकता है, तो वो अपडेटेड डेटा तो नहीं है ना, पुराने डेटा की रिपोर्ट ये फिर निकाल देगा। हालांकि अभी नया डेटा भी वहाँ पे मौजूद है इस कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि ना इंटरनेट है ना नेटवर्क है, ना इंटरनेट है ना नेटवर्क है, हम 80s की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है वो एम्प्लॉय जो वो आ गया, सही है, इसको नहीं मालूम पेरोल वालों को, एम्प्लॉय का 1 महीना हो गया फॉर एग्जाम्पल, फौरन ही जैसे वो आया था अभी तक वो कॉपी नहीं हुआ फ्लॉपी से डेटा। अब सैलरी बन गई उसकी, नहीं बनी बेचारे की ना, क्योंकि वो डेटा वो बोल रहा है फ्लॉपी नहीं थी, फ्लॉपी उस या इसकी फ्लॉपी गुम हो गई थी कहीं, मिली नहीं रही थी या खराब हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। सही है, जिनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए वो जरा 3 लिख के बताएं। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे पता है ये 7-8 स्टूडेंट्स ने सिर्फ यही जवाब देना है, इन्होंने उसके अलावा किसी ने नहीं जवाब देना, इसका मुझे अंदाजा हो गया। तो अब मैं नहीं जा रहा कि किसने दिया किसने नहीं, बस ये कि जो जवाब दे रहे हैं मैं उनको जो है नोट करने लगूँ इसके जो है ना। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हो गई, तो इसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम जो सबसे पहले आती है वो कहलाती है डुप्लीकेशन, यानी यहाँ पे भी डेटा रखा हुआ है यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो ये क्या कहते हैं डेटा रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का क्या मतलब है, डुप्लीकेट करना। अब ये ज़रा मुश्किल नया वर्ड होगा, तो इसका मतलब है आपने जो है वो अगर आप राइट कर लें तो बेहतर है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा ये हो गया, इधर जो डेटा है, इधर नया एम्प्लॉय आ चुके हैं, 2 एम्प्लॉय जा चुके हैं, और इधर जो डेटा है वो डिफरेंट है। सही है, तो ये इन कॉन्सिस्टेंसी कहलाएगी ना, जब आपके पास एक तो कॉन्सिस्टेंसी होती है कि या कॉन्सिस्टेंसी इसको आप कहते हैं ना, एक जैसा होना। अब यहाँ पे डेटा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, एक ही डेटा की डिफरेंट कॉपी पड़ी है, यहाँ पे अपडेटेड डेटा, यहाँ पे पुराना डेटा पड़ा, तो एक जैसा नहीं है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है एक जैसा नहीं है डेटा। अच्छा, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई जो है वो सिटी के अंदर कराची लिख रहा है KHI, कोई लिख रहा है पूरा कराची, सही है, कोई लिख रहा है KAR कराची। ठीक है, अब मैं आपकी इसको एग्जांपल देता हूँ क्या नुकसान होगा। ये फर्स्ट करें, ये होती, ये जो इनका जॉब है ना, जॉब नहीं होता, इनका सिटी होती, इनकी सिटी होती यहाँ पे। गौर से सुने, जवाब आप ही लोगों ने देना है। सिटी के अंदर एक जगह कराची लिखा होता कहीं पे, एक जगह KAR लिखा होता, एक जगह KHI लिखा होता, सपोज करें, तो इसमें क्या होता, इसमें अगर मैं ये कहता कि तमाम वो रिकॉर्ड फाइंड करो जो कराची से बिलोंग करते हैं, तो मैं पूरा वर्ड कराची लिख देता, तो जो बाकी जो है KAR और KHI, ये क्या सर्च में आते हैं, रिजल्ट में आते हैं आपके पास, KAR और KHI ये आते रिजल्ट के अंदर नहीं आते ना, इसलिए नहीं आते। सही है, सही है, मुझे जो है हाफिज ने जवाब दिया था, और रोमैन ने, नाचमिया ने, एडम ने जवाब दिया। मैं बोल रहा, ये देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, बोल क्यों रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये पर्सनल है, इसने इसने इनपुट ये जब भी करता है ये करता है KHI, यहाँ पे जो है ये करता है कराची, ये करता है KAR। अब आपके पास डेटा तो सब सेव हो गया है ना, तो डेटा के अंदर रहते हुए अगर हम इसको ये फाइंड आउट करें कि जब मैं कराची इनपुट करूँ तो सब कराची आ जाए, तो उसके सर्च में क्या KAR और KHI आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सही है, अच्छा, तो नहीं आएगा। सही है, आप लोग सही कह रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा ना, तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, डेटा इंटीग्रिटी, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है,
ये है डेटा इंटीग्रिटी। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास, अच्छा जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया तो इसके इसने जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो रिमूव कर दी। डेटा सब जो है वो एक एक ही इधर ही पड़ा हुआ है ना, तो क्या डेटा डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी बचा है, यस या नो में बताएं। जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, यहाँ डेटा है एक जगह, क्या अब डेटा डुप्लीकेट होगा या रेडिडेंसी होगी, यस या नो में बताएं। ये मैं बोल रहा ना कि पहले डेटा डुप्लीकेट हो रहा था, अब जो है वो डेटा डुप्लीकेट जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले ये हाफिज मोहम्मद उमर से आ रहे हैं, ये कुछ नाम है इनका नजर नहीं आ रहा पूरा, लेकिन हाफिज मोहम्मद ने सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। अब्दुल हमीद भी दे रहा है, सही है, रोमैन भी मुसलसल आंसर दे रही है, और नाशमिया भी, ये चार लोग तो आंसर दे रहे हैं एडम के साथ साथ, कभी खालिद अजहर भी दे देते हैं, डिफरेंट चल रहा है, सही है, कभी जो है वो लोग नहीं देते। तो इसमें जो डेटा को डुप्लीकेशन बच जाएगा। अब आप ये बताएं डेटा क्या डिफरेंट जगह डिफरेंट पड़ा होगा, दूसरा क्वेश्चन है। इसके लिए एन प्रेस करें, खाली एन, कि डेटा जो है वो डिफरेंट जगह डिफरेंट पड़ा होगा। जैसे ये था ना कि यहाँ पे जो है उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था, यहाँ पे उसका अभी तक नहीं आया था, सही है। यहाँ अब ज़रा ज़्यादा आया ना, शहरयार ने भी दे दिया और शेब ने भी दे दिया, शेब तो दे रहे हैं पहले से भी और शहरयार भी दे रहे हैं, और शावीर दे रहे। अच्छा उसके बाद जो है वो जब आपके पास डेटा जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा, और इसके अंदर आप जो है सिटी के अंदर पूरा आप ऐसे ना कंबो दे देंगे, बजाय इसके कि यूज़र इनपुट करे, इनपुट करने के बजाय ऐसे एक कंबो बॉक्स होता है ना जिसके अंदर सिर्फ यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, वो दे देंगे, तो वो तो कराची इनपुट करेगा, सही है ना, क्योंकि वो हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होगा। जो यूज़र ने टाइप किया, हम यूज़र से टाइप ले ही नहीं रहे, हम तो उसको सिलेक्शन का मौका दे रहे हैं कि कराची सिलेक्ट कर लो, तो वो जो अब आप सिलेक्ट करेगा यूज़र, वही वही चीज़ जो स्टोर होगी। तो इसका मतलब है सारे रिकॉर्ड में क्या आ जाएगा, कराची आ जाएगा, पूरा पूरा का पूरा वर्ड आ जाएगा ना। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर लेके चला जाएगा, यानी कि आपके पास जो है वो